अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे पास जो रिव्यू है वो है मिस रोज़ लिक्विड कंसीलर के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है, प्लास्टिक की होती है। इसके ऊपर लिखा होता है ऑयल फ्री, तो हमने आज चेक करना है क्या ये ऑयल फ्री है भी या नहीं। उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, और अगर आप लोग इसकी पैकेजिंग देखेंगे उसके ऊपर आप लोगों को वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताए गए हैं। अगर ओपनिंग की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं एक लिप ग्लोस टाइप की तरह से होता है इसका ब्रश, और ये इसका स्वैच है। ये मेरे पास फेयर कलर था, मैं आप लोगों को लास्ट में क्या यहीं पे इसका कोड भी चेक करवा देती हूँ। अब बात करेंगे तो ये प्लास्टिक की हमारे पास बॉटल होती है। अब मैं आप लोगों को इसे ब्लेंड करके दिखाती हूँ क्या ये सही तरीके से ब्लेंड होता भी है या नहीं होता। शेड आप लोग चेक कर लें, फेयर ही है। अब हम लोग इसे ब्लेंड करते हैं, देखें आप लोग कि किस तरह से ब्लेंड हो रहा है। तो पहली बात कि ये क्रीमी या केकी लुक देता है, आप लोग देख सकते हैं कैसे मेरे नाखून के निशान अंदर मतलब जा रहे हैं, तो ज़ाहरी बात है केकी लुक देता है। मैंने इसे ऑलमोस्ट 1 मंथ यूज़ किया है। 1 मंथ यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये कैसा होता है कैसा नहीं होता। सबसे पहली बात कि डार्क सर्कल्स या आप लोगों के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या डिसकलरेशन होती है, ये उन्हें बिल्कुल हाइड नहीं करता। मतलब कि 30 से 40 मिनट बहुत अच्छा रहेगा, मतलब उन्हें हाइड करेगा। उसके बाद ये ग्रे करना आप लोगों की स्किन को स्टार्ट कर देगा। मतलब जब ग्रे होगी तो क्या फ़ायदा है ऐसे कंसीलर का, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और दूसरे नंबर पर हाइड करता है पिम्पल्स को, तो ये बिल्कुल हाइड नहीं करता आपके पिम्पल्स को। स्किन टोन की बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे शेड आते हैं, फेयर, आइवरी 6, बेज 1, बेज 2, बेज 3। फेयर बहुत ज़्यादा लाइट होता है, आइवरी 6 जो थोड़ा सा डार्क होता है, बेज 1 उससे डार्क होता है, बेज 2 उससे डार्क होता है, और बेज 3 उससे डार्क होता है। उसके बाद प्राइस की बात करूँ तो मैंने इसे परचेज़ किया था 300 तक, मतलब ऑलमोस्ट 300 तक, 299 में। स्टे टाइम की बात करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है जानने का, क्योंकि ये ग्रे कर देगा, तो फ़ायदा है ऐसे प्रोडक्ट के स्टे टाइम जानने का, 30 से 40 मिनट है मैक्सिमम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।